दोस्तों Asus ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है Asus Zenfone 6 जो कि कमाल के डिज़ाइन के साथ में आता है और कुछ आपको कमाल के फीचर मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फ्लिप कैमरा ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी दोस्तों प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ों को अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे Asus Zenfone 6 की स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग के बारे में, साथ ही जानेंगे कौन कौन से कमाल के फीचर आपको इस स्मार्टफोन पर मिल रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हो गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल को। और दोस्तों आप अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उसके बाद में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। ये फोन काफी टाइम से लीक में चल रहा था और फाइनली कंपनी ने इस फोन को अनाउंस कर दिया है। इस फोन पे आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिल रहा है जो कि IPS LCD फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। HDR10 कंप्लाइंट वाला डिस्प्ले है दोस्तों। और प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की यहां पे मदद ली है। बैक साइड में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है और फ्रंट पे भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की ही प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो Qualcomm Snapdragon 855 चिप का सपोर्ट मिलता है जो कि नॉर्मली हर फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे यूज होता है दोस्तों। 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे ये चिप काम करती है और दो वेरिएंट में ये फोन आता है। 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद में आता है 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज और साथ में कंपनी ने डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी आपको दिया है। तो आप इस इंटरनल स्टोरेज को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो इस कार्ड स्लॉट की मदद से। वहीं यहाँ पे बैटरी ऑप्शन मिलता है काफ़ी कमाल का। 5000 mAh की बैटरी मिल रही है जो कि 18 वॉट के क्विक चार्जर के साथ में आती है दोस्तों। तो बैटरी बैकअप आपको बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। साथ में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है इस फोन पे, USB टाइप सी है, NFC है, डुअल बैंड वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ 5.0 हो गया। तो डिज़ाइन वाइज फ़ोन बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे सबसे कमाल का फीचर है इस फोन का फ्लिप कैमरा दोस्तों। यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप आपको मिलता है बैक साइड में जिसको आप सेल्फी में भी कन्वर्ट कर सकते हो फ्लिप की मदद से। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है बैक साइड में और वही कैमरा यहाँ पे फ्लिप होके फ्रंट पे आ जाता है दोस्तों। जो प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल वाला F1.8 एपिचर के साथ में आता है और दोस्तों यहाँ पे वाइड लेंस ये है। उसके बाद में जो सेकेंडरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है और ये भी काफ़ी कमाल का है। तो ग्रुप सेल्फी आप इजीली यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो और ये जो कैमरा है आपको हर एंगल में आप इसको सेट कर सकते हो, मतलब रूफ की भी आप फोटो खींच सकते हो और फ्रंट बैक तो आप खींच ही सकते हो। तो नई टाइप की टेक्नोलॉजी है और कंपनी ने काफ़ी अच्छा इनोवेशन यहाँ पे किया है दोस्तों। नीट एंड क्लीन डिज़ाइन वाला डिस्प्ले आपको मिल रहा है। उसके बाद में भी दोस्तों Zen UI 6 का आपको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। स्टॉक एंड्रॉयड पे हल्की सी एक स्मूथ लेयर चढ़ाई हुई है दोस्तों। तो ये फ़ोन एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है और बहुत ही जल्दी ये इंडियन मार्केट में भी आने वाला है। इसका जो बेसिक प्राइस है बेसिक वेरियंट का वो है दोस्तों $499 के अप्रॉक्स, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 35,000 रुपए के आसपास ये कन्वर्ट होके आता है और बहुत ही जल्दी आपको ये फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। और देखते हैं कब आता है और किस प्राइस में कंपनी इंडियन मार्केट में इसको लॉन्च करती है। तो बस यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने कवर कर दी हैं Asus Zenfone 6 की। आप जरूर नीचे कॉमेंट में बताना कि कौन सा फीचर आपको इस स्मार्टफोन का सबसे पसंद आया है, जरूर सारी चीजें नीचे कॉमेंट में लिखना। मिलने कोई सजेशन ओपिनियन तो भी आप नीचे लिख सकते हो और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उसके बाद में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।